हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चमकते सितारे। उम्मीद है अब सब अच्छे होंगे। दोस्तों, महानिदेशक स्कूली शिक्षा SCERT द्वारा एक आदेश निर्गत किया गया है अंग्रेजी माध्यम के अध्यापकों से संबंधित, जिसमें उनको संपर्क फाउंडेशन द्वारा विकसित बैठक ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना है और इसी पर इनका ऑनलाइन प्रशिक्षण अक्टूबर 2020 तक प्रस्तावित है। इस ऐप पर शिक्षकों व बच्चों के लिए पठन पाठन अधिगम स्तर अभिवृद्धि हेतु उपयोगी शिक्षण सामग्री, वीडियो, पहेली, गतिविधियाँ, पाठ्य सामग्री से संबंधित दिए गए हैं। तो आज हम सीखेंगे कैसे इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया जाए और किस तरह इस ऐप पर उपलब्ध विभिन्न फीचरों का इस्तेमाल किया जाए अपनी गुणवत्ता संवर्धन में। तो बिना किसी इंतजार के शुरू करते हैं सीखने सिखाने का सफर। तो इसमें दोस्तों हम सबसे पहले इस ऐप के बारे में सीखेंगे पार्ट्स में। सबसे पहले हम अपने मोबाइल पर इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, फिर इस पर अपनी हम प्रोफाइल बनाएंगे, फिर इस पर उपलब्ध विभिन्न फीचरों का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करते ही सर्च बॉक्स में आप लिखेंगे संपर्क बैठक। संपर्क बैठक लिखते ही दोस्तों ये देखिए संपर्क बैठक का ये एप्लीकेशन बन के आ गया है। ठीक है, अब हमको इसको सिंपली अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्टली इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ऐप को इंस्टॉल करते ही देखिए दोस्तों हमारे मोबाइल में संपर्क बैठक ऐप का आइकन बन के आ गया है। अब हमको इसको सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करते ही दोस्तों ये जो परमिशन मांगे उसको अलाउ कर देना है। जैसे ये कह रहा है एक्सेस फोटो मीडिया एंड फाइल्स, इसको आप अलाउ कर दीजिए। अलाउ करते ही दोस्तों अगली स्क्रीन पर देखिए आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, तो यहाँ पर हमको अपना फ़ोन नंबर दर्ज कर देना है। फ़ोन नंबर दर्ज करने के बाद दोस्तों ये देखिए लॉगिन का बटन है। ठीक है, इस पर हमको क्लिक कर देना है। नंबर एंटर करते ही सबसे पहले पूछ रहा है कि आप अपना परिचय दें, मतलब जैसे आप क्या हैं। जैसे आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो पहला टैब इस्तेमाल करिए, या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या प्राइवेट एजुकेटर हैं, या फिर आप पेरेंट्स हैं। ठीक, तो हम दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर सबसे पहले क्लिक करते हैं। अब क्लिक करते ही दोस्तों हमारे मोबाइल पर एक OTP गया है 4 अंक का, उसको हमें यहाँ पर एंटर करना है। दोस्तों यदि आपके मोबाइल पर OTP आने में देर होती है तो आप यहाँ पर देखिए रीसेंड का बटन है, इस पर क्लिक करके आप दोबारा OTP मंगवा सकते हैं। अब OTP डालने के बाद हम देखिए यहाँ वेरीफाई वाले बटन को क्लिक करेंगे। अब दोस्तों अगली स्क्रीन पे हमें अपना प्रोफाइल सेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका गवर्नमेंट टीचर सेलेक्ट है, फिर आपका नाम यहाँ पर अपना कैपिटल लेटर में आप यहाँ पर नाम डाल दीजिए। फिर उसके बाद आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है। राज्य के बाद आप अपना पिन कोड, अपने विद्यालय का पिन कोड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको अपना UDIS कोड सेलेक्ट करना है विद्यालय का। फिर उसके बाद आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। ज़िले के बाद दोस्तों आपको अपना विकास खंड या ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है इस लिस्ट से। अगला दोस्तों विकास खंड सेलेक्ट करने के बाद समूह, मतलब आपका NPRC जो पड़ता हो उसको सेलेक्ट करना है। ठीक, सारा सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों एक बार चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आई एग्री जो एक बॉक्स है उसको आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देंगे। अगली स्क्रीन पर दोस्तों ये वीडियो प्ले होती है संपर्क फाउंडेशन की, जिसमें बताया जाता है कि इस ऐप को कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इससे आपको पूरा जानकारी हो जाएगा इस ऐप के बारे में। यहाँ पर हम दोस्तों चूँकि वीडियो ट्यूटोरियल बना रहे हैं तो हम इसको स्किप करते हैं अभी। तो हमारा ऐप कुछ इस तरीके से अब ओपन होके आ रहा है। ठीक है, तो इसमें अब हम बारी बारी से देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला पेज जो खुला हुआ है दोस्तों, दरअसल ये पहला पेज दोस्तों जो है ना ये एक सोशल मीडिया की तरह वर्क करता है, जैसे फेसबुक होता है उसी तरीके से। यहाँ हम अपनी नवाचार, अपने वीडियोज़ फ़ोटोज़ शेयर कर सकते हैं, दूसरे शिक्षकों के जो भी मटेरियल शेयर किए गए हैं उनको हम देख सकते हैं, उन पर लाइक कर सकते हैं। देखिए ये उन पर लाइक कर सकते हैं, उन पर कमेंट कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों जो ऊपर वाला टैब दिया हुआ है यहाँ से हम
फिल्टर कर सकते हैं कि कहाँ का मटेरियल हम देखना चाहते हैं। जैसे ऑल स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो सारी इंडिया का इसमें दिखाई पड़ेगा, फिर जैसे हमने दूसरा उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया तो हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी अध्यापक साथियों ने कुछ भी मटेरियल पोस्ट किया होगा तो वो हमको दिखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा टैब हमारे जनपद का है दोस्तों, अगर हम अपने जनपद का टैब सेलेक्ट करेंगे तो हमारे जनपद के अध्यापकों ने जो जो कुछ शेयर किया होगा वो सारे मटेरियल्स हमको दिखेंगे। चौथा टैब दोस्तों संपर्क दीदी, जो कि इस ऐप का है, इस ऐप के द्वारा जो भी पोस्ट किया जाएगा, जो भी नवाचार, जो भी क्विजेज पोस्ट किए जाएंगे वो हमको दिखेंगे। और दोस्तों जैसे हम कुछ इसमें पोस्ट करना चाहते हैं, कोई पिक्चर, वीडियो या लेख, तो देखिए सबसे पहला ऊपर ये जो है टैब बना हुआ है, यहाँ से हम पोस्ट कर सकते हैं। इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे दोस्तों, ये देखिए नीचे आ रहा है फ़ोटो का ऑप्शन और वीडियो का ऑप्शन, दोनों में से जो भी हम सेलेक्ट कर लेंगे वो हम डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर हम लिखना अगर कुछ चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिख के भी अपनी बात शेयर कर सकते हैं, और ये हमारे नाम और हमारे फ़ोटो के साथ शेयर हो जाएगा ग्रुप में। इस ऐप का एक ज़बरदस्त फीचर है सर्च का, ये देखिए ऊपर एक सर्च बटन दी गई है, ठीक है। इसको हम क्लिक करके यहाँ पर अपने पाठ या किसी भी टॉपिक से संबंधित मटेरियल को सर्च कर सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर मापन से संबंधित सर्च करना चाहते हैं, हमने मापन लिखा। अब देखिए दोस्तों मापन से संबंधित जितना भी शिक्षक बंधुओं ने या इस संपर्क ऐप के द्वारा कुछ भी मटेरियल दिया गया होगा वो हमको दिख जाएगा। देखिए इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च भी कर सकते हैं। और सर्च के बगल में ही दोस्तों देखिए एक बेल आइकन बना हुआ है, ये नोटिफिकेशन का आइकन है दोस्तों। इसको हम क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमारा कोई नया सर्टिफिकेट आया होगा या हमारा कोई नया बैज आया होगा या हमारे पोस्ट पर कोई कमेंट, लाइक, शेयर हुआ होगा, तो उसके बारे में हमको यहाँ पर इस नोटिफिकेशन टैब में जानकारी मिल जाएगी। दूसरा फीचर दोस्तों ये देखिए है स्मार्ट शाला का, आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से खुलता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों दो सब्जेक्ट दिए गए हैं, मैथ और इंग्लिश, अभी इसमें साइंस ऐड होना है, कुछ समय बाद ऐड हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ संपर्क स्मार्ट शाला में हर क्लास से संबंधित, उसकी पाठ्य सामग्री से संबंधित रिसोर्सेस मौजूद हैं, जैसे वीडियो, ऑडियो और PDF फाइल्स। अब देखिए जैसे यहाँ पर दोस्तों पहला है एक अंकी संख्या बोध, ठीक है, यहाँ पर 5 रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। जैसे हम इसको ओपन करते हैं दोस्तों ये एक वीडियो बन के आ जाता है, ठीक है। इस वीडियो को हम डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों ये डाउनलोड बटन से, और जब बाद में नेट नहीं रहेगा तब भी हम दे सकते हैं। बाकी हम डायरेक्टली इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं, ये 15 मिनट का वीडियो है। ये कुछ इसी तरीके से वीडियो प्ले होगा दोस्तों, ठीक है, जैसे दीक्षा ऐप में प्ले होता था। उसके बाद दोस्तों हम देखिए फिर यहाँ पर इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला है दोस्तों संपर्क शाला TLM, यहाँ पर इस पाठ से संबंधित, मतलब जो ये प्रकरण था दोस्तों एक अंकीय संख्या बोध, उससे संबंधित कुछ TLM दिए गए हैं। जैसे हम पहले क्लिक करते हैं TLM को तो ये TLM खुल किया जाता है, ठीक है। अब हम इसका इस्तेमाल अपने शिक्षण कार्य में कर सकते हैं, इसका हम प्रिंट निकलवा के अपने कक्ष में इसको हम चिपका भी सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों ये अगला जो टैब है उत्तर प्रदेश टेक्स्ट बुक, यहाँ पर बता रहा है कि ये जो प्रकरण है एक अंकी संख्या का बोध, ये किस किस पाठ से रिलेटेड है, कहाँ कहाँ हमारी मदद कर सकता है, तो ये हमको 4 पाठ में मदद कर सकता है। उसके बाद दोस्तों अगला है SSS एडिशनल रिसोर्सेस, यहाँ पर एडिशनल रिसोर्सेस में दोस्तों पहला है वर्कशीट हम ओपन करते हैं तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। ये हम अपने बच्चों को प्रिंट करा कर दे सकते हैं और इसमें जो जो प्रश्न जैसे दिए गए हैं, जैसे यहाँ कहा गया है कि इन संख्याओं पर गोला बनाइए, तो हमारे बच्चे उनको गोला बनाएं, ये अभ्यास वर्क हुआ इस एक तरीके से दोस्तों। उसके बाद फिर अगला दोस्तों ये है क्विज का ऑप्शन, ठीक है, इसको देखते हैं क्या है। क्विज जैसे ओपन करते हैं दोस्तों इसमें देखिए एक प्रश्नोत्तरी खुल जाती है 10 प्रश्नों की, ठीक है। इसको भी हम प्रिंट कराकर अपने बच्चों को दे सकते हैं और उनके ज्ञान को, उनके अधिगम स्तर को हम परख सकते हैं कि कितना उन्होंने सीखा है इस प्रकरण में। अगला दोस्तों ये है प्रोग्रेस चार्ट, ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं। इसमें दोस्तों देखिए सारे बच्चों का नाम लिखने के लिए यहाँ आ गया है और उसके बाद दोस्तों जो ये क्विज थी और ये जो वर्कशीट थी उसके आधार पर हम अपने बच्चों का यहाँ पर असेसमेंट, मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये तो हुई स्मार्ट शाला की बात दोस्तों। फिर हम बैक होके देखते हैं, अब देखिए दूसरा इसी स्मार्ट शाला में दोस्तों उत्तर प्रदेश टेक्स्ट बुक, मतलब हमारे
जितनी भी कक्षा में पाठ्य पुस्तकें हैं उनका उनसे संबंधित जितने भी पाठ हैं, पाठ से संबंधित जो भी वीडियोज़ ऑडियोज़ हैं, हम डायरेक्टली उनको यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से दोस्तों जैसे दीक्षा ऐप में था। अब दोस्तों इस वीडियो का अगला फीचर है, ये देखिए विभागीय सूचना, यहाँ पर हम क्लिक करके देखते हैं। ये दोस्तों ये बहुत ही यूनिक फीचर है इस ऐप का कि इसमें हमको समय समय पर जो भी दिशा निर्देश हमारे विभाग द्वारा निर्गत होते रहेंगे उनसे भी हम अवगत होते रहेंगे समय समय पर इसी ऐप में ही। अब अगला दोस्तों इस ऐप का फीचर हम देखते हैं, ये है स्कैन का। ये दोस्तों स्कैन का फीचर क्लिक करते ही देखिए ये बारकोड स्कैन करने के लिए आ गया है। ये दोस्तों उस वक्त काम करेगा जब हमको संपर्क फाउंडेशन की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो हमको मिल जाएंगी, तो हर पाठ पर कोई ना कोई QR कोड रहता है, हम डायरेक्टली उस पाठ से संबंधित वीडियो ऑडियोज़ को सर्च करने के लिए हम उस QR कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों चौथे टैब की तरफ जहाँ पर है मोर, ठीक है इसको हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला देखिए प्रोफाइल का सेक्शन आ रहा है, प्रोफाइल को हम ओपन करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए हमारी वही प्रोफाइल खुल के आ गई, अगर इसमें कुछ कमी है तो हम एडिट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम अपना पिक्चर भी लगा सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये पेंसिल वाले बटन को क्लिक करिए, उसके बाद फिर अपनी आप फ़ोटो चूज़ कर लीजिए और अपने प्रोफाइल पर लगा सकते हैं। फिर इसको आपको सबमिट का बटन क्लिक कर देना है तो फोटो हमारी लग जाएगी। फिर से अगला फीचर दोस्तों इसी मोर में ही फिर से देखते हैं क्या है, यह है दोस्तों लीडर बोर्ड। ठीक है लीडर बोर्ड क्या है, लीडर बोर्ड दोस्तों कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। पहला टैब है इसमें देखिए सर्टिफिकेट का, मतलब दोस्तों अभी जो हम स्मार्ट शाला वाले टैब में गए थे तो वहाँ विभिन्न प्रकरण और पाठ्य सामग्री से संबंधित तमाम रिसोर्सेस मौजूद थे, वीडियोस थे, चार्ट था और क्विजेस थी। जैसे जैसे दोस्तों हम उनको पूरा करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप हमारी जिस तरीके से प्रोग्रेस होती जाएगी उसी हिसाब से देखिए यहाँ पर जो सर्टिफिकेट हैं वो हमको मिलते जाएंगे। ये डायरेक्टली इसी ऐप में मिल जाएंगे और हमारी ईमेल आईडी पर भी मिल जाएंगे जब हम ईमेल आईडी एंटर करेंगे। दूसरा टैब है दोस्तों लर्निंग टाइम का, यहाँ पर हम क्लिक करके देख सकते हैं कि हमने इस ऐप पर कितना समय व्यतीत किया है। तीसरा दोस्तों है बैजेस, मतलब टाइम टाइम पर हमें कुछ कुछ बैजेस मिलेंगे, जैसे ये पहला है वेलकम बैज हमको मिल चुका है, ये ओपन हो चुका है, बाकी और सारे देखिए अभी ओपन नहीं हुए हैं। इसका मतलब हर बैज की कोई ना कोई एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को जब हम फुलफिल करेंगे तो वो बैज हमारी प्रोफाइल में शो होने लगेगा। जैसे दोस्तों हर बैच को हम क्लिक करके देख सकते हैं उसका क्राइटेरिया क्या है। अब देखिए जैसे ये है, इसमें है कि हर रोज़ कम से कम एक वीडियो देखने पर ये पदक मिलेगा दैनिक लर्नर का। हाँ दोस्तों ये स्मार्ट शाला में एक फ़ीचर और था जिसकी हमको बात करनी है, ये देखिए प्रोग्रेस की। दोस्तों देखिए जिस तरीके से हम इसके वीडियोज़ रिसोर्सेज क्विजेस का इस्तेमाल करेंगे उसी हिसाब से प्रोग्रेस हमारी दिखाएगी। जैसे देखिए ये पहले में भी 25% दिखा रहा है क्लास वन के रिसोर्सेज जितने भी मौजूद हैं, और क्लास वन में भी देखिए ये पहला वाला जो प्रकरण था वो 100% दिखा रहा है कि हमने इसको 100% कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों आज हमने सीखा संपर्क के बैठक ऐप को कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसके सारे फीचर्स को कैसे एक्सप्लोर किया जाए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी रही होगी, यूज़फुल रही होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी तरीके के सीखने सिखाने के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक मुस्कुराते रहिए, चमकते रहिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू।